ट्रेजों से रखी है, वो भाई आलू 70 वाले किलो कह आलू रहा वाले है। आलू वाले आलू वाले आलू वाले आलू वाले ओ आलू 10 होगा 10 होगा 10 होगा 10 होगा भैया। आलू वाला आलू वाला आलू वाला आलू वाला आलू वाला आलू वाला 10 है 10 है 10 है 10 है 10 है आलू वाला आलू वाला आलू वाला। यार बड़े मजे नहीं की करे बात क्या हो गया, लगता है सब्जी मंडी में बैठू यहाँ। वो क्या, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम विजय अमानी है, जो अस्सलाम वाचिंग वालेकुम जो है दोस्त, हमारी रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है सुमान कुरैशी, वेलकम टू अवर चैनल। सलाम आदाब, वेलकम अवर चैनल। तो यार फाइनली आई स्टार्ट एन ऑनलाइन पेमेंट इन माय वेजिटेबल शॉप। फाइनली स्टार्टिंग, मतलब मैंने जो है ना मतलब स्टार्ट कर लिया है ऑनलाइन पेमेंट, जो मतलब पेबल है पाकिस्तान में, सॉरी इंडिया में पेपल वगैरह। तो भाई सब्जी वाले बहुत ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये वीडियो खत्म करके बाहर सब्जी लगा रहे थे, ठीक है, आलू प्याज ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं वो जी। मैं कह रहा हूँ वीडियो स्टॉप करके आलू प्याज की रेडी बना रहे हैं। बट ये सब्जी में ऑनलाइन पेमेंट क्यों? सब्जी तो थोड़ा थोड़ा बंदा खरीदता है, थोड़ा थोड़ा। हाँ यार, ये वैसे तो बात सोचने वाली है, लेकिन पेटीएम आई थिंक अगर इधर पेटीएम चलता है ना तो अच्छा। मतलब पेटीएम ठीक है, मतलब 100, वो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 200-300 मतलब की नहीं, 300 आप बहुत अबव कर गई हो। 2-3 दिन की सब्जी जो है वो 100 के ऊपर ऊपर चल जाती है, वो ये बता रहे थे इंडिया तो के बहुत सारे व्यूवर्स थे। और जो मतलब वो लेने वाले थे, जो मतलब परचेस कर रहे थे सब्जी, तो वो ये बता रहे थे, कहते यार 2-3 दिन 100 की सब्जी चल जाती है, चल जाती है। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं, होप इस वीडियो में मजा आएगा, लेकिन इंडिया के रेट तो यार बहुत सस्ते हैं। देखते हैं कि ये पेमेंट इन्होंने क्यों ऑनलाइन रखी हुई है। अपना ऑनलाइन वाला देखो, ये पेटीएम का एक्सेप्टेड यार। चलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं सीधा तखतपुर सब्जी मंडी, और यहां पास देखो भाई साहब आलू आया हुआ है, कई क्वालिटी भाई साहब, ये सीधा किसान का आलू है भाई, देखो धो के बहुत बढ़िया क्वालिटी में है, जिसका रेट जो है भाई साहब बताया जा रहा है कितने रुपए पटे? 15 रुपए किलो। 15 रुपए किलो है भाई साहब आलू जो है। और कितना कैरेट ले रहे भाई? 7-8 करेट लेके जाएंगे भाई, 3-4 करेट मैं लेके जाऊंगा, 3-4 करेट ये लेके जाएंगे, लेकिन कुछ कम नहीं लगा रहे यार, कुछ कम लगा लो भाई। यस भैया लगा लो यार, नहीं लगेगा बोल रहे भाई साहब, तो खरीद लेते हैं यहीं का आलू जो है, क्योंकि क्वालिटी में बढ़िया यार, ब्रांडेड है, आलू बहुत साफ है ना, काफी अच्छा है आलू। सबसे पहले चलो आलू ही खरीद साफ वेजिटेबल्स लग रही है। 3 क्रेट में भी मेरा ख्याल है ये 10 किलो नहीं, 10 तो मजाक होगा, 20 kg के आसपास होगा ये ट्रे। टेन के जी होगा यार ये, 20 kg होगा, देखते हैं वेट अभी होगा। कैलकुलेटर की, सॉरी कैलकुलेटर नहीं है, क्या है, वेट मशीन है इसका भी, हालत मेरी जैसी हो गई है, नजर ही नहीं आ रहा है। वेट मशीन तराजू क्या देना है उसको? 2 रुपया नहीं, 15 रुपया। नौ रुपए यार, 2 रुपए का आलू, इतनी भी कोई आफत नहीं मची है, 2 रुपए के आलू किलो मिलना शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते भाई साहब आलू कितना किलो का? 70 किलो है, मतलब मेरा आइडिया ठीक था, 20-22-23 के अराउंड है शायद ये। 3 ट्रेज उसने रखी है, वो 70 किलो कह रहा है। वो कहता नहीं है, कहता अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए उसको बैठा। चलो यार भाई कैमरा कितनी दूर से पकड़ा हुआ है, हाथ से करेला है, गाजर है, काट भैया करेला 30 रुपए किलो करेला भाई साहब, देख सकते हैं बड़ा बड़ा वाला करेला 30 रुपए है, और ये जो छोटा वाला करेला है ये कितना रुपए छोटा वाला है? 33 रुपए छोटा वाला। और मुनगा भैया, मुनगा 60 रुपए, ये होलसेल की मार्केट बता रहा है। काट भैया गाजर 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो भाई गाजर। आप लोग के यहाँ क्या इतनी फ्रेश सब्जी है? ये रेट है, लेकिन मैं करेला भी खरीदा, गाजर अच्छी थी, महंगा है, बिकता नहीं है, 40 में 30 रुपए बेचना पड़ जाता है। अभी चलते हैं चलो किसान मार्केट की तरफ, जो किसान लोग सब्जी ले के आया ना, किसान मार्केट की तरफ चलते, किसान मार्केट सब्जी आया है उसको देखते भाई क्या रेट में है। भाई साहब इधर देख सकते हैं पूरा किसान मार्केट, काफी भीड़ है और सब्जियां भी बहुत यार, क्या बात है यार,
चलो चलते अपन रेट पता करते हैं। भाई साहब अभी मैं आया हूं किसान मार्केट तरफ और देख सकते हैं आके एक बंधा खरीद लिया है। देखो 6 रुपए या 6 रुपए इसको भी लेके जाएंगे भाई। मैं आज ही मंडी से लेकर आया था, मुझे इतनी बड़ी बंधी जो है ना 100 की मिली है। भाई साहब वहाँ से बंधा लेने के बाद अभी मैं आया हूँ यहाँ देखो भैया लोग के पास धनिया मिर्ची और अदरक लेने। ये लोग के दुकान पे देख सकते हैं भाई साहब अदरक खरीद लिया 2 किलो और मिर्ची ले रहा हूँ 10 किलो और धनिया भी ले रहे हैं। अदरक 60 रुपए किलो, 400 रुपए किलो है भाई पाकिस्तान में। 120 के 2 किलो लेके जा रही है। छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना नहीं सा बिजनेस है शायद। नहीं ये कह रहा था ना ऑनलाइन चला रहा है क्योंकि दुकान में आए ना तो उधार ना लो भाई पैसे दे दो पेटीएम कर दो लाइक जैसे यहाँ पे इजी पैसा नहीं है इस तरह। भाई साहब अभी मैं आया हूँ टमाटर लेने के लिए देख सकते हैं पीछे बोली हो रहा है भाई टमाटर का 160 कितना हो रहा है छोटे 70 रुपए भाई। तो भाई साहब पूरा सामान खरीद लिया है और मुझे गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए थे यार पानी पूरी खाई गला मेरा रह गया। लोडिंग हो गया यार ओवरलोड गाड़ी जो है बुरी तरीके से पूरा सामान हो गया। अब चलो जो बाकी है ना टमाटर उसको मैं गाड़ी पे लेके जाऊंगा। गाड़ी जो है मेरा वहाँ पास है 6 किलो टमाटर और है तो उसको बाइक से लेके चलेंगे। चलो भाई साहब देखते हैं क्या हाल है अपने टमाटर को उधर। अरे मेरा टमाटर बस दिख रहा है पास। तो गाइस अभी 12:30 बज रहे हैं और पूरा सामान को ना पिकअप में डालने के बाद जो बाकी सामान और एक्स्ट्रा बच रहा था जो टमाटर जो है उसमें जगह नहीं बच रहा था पिकअप में तो मैंने उसको गाड़ी पे ही पैक कर लिया है। देख सकते हैं 5 और 6 किलो टमाटर है मेरे पास और पीछे देख सकते हैं पूरा मार्केट जो खाली हो चुका है भाई साहब। तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं घर जो बहुत लेट हो गया है। चलो भाई तो गाइस फाइनली मैं अभी पहुँच चुका हूँ घर और देख सकते हैं जो गाड़ी पे टमाटर लेके आया हूँ ना अपना 6 कैरेट वो गाड़ी पे है। 1 कैरेट तो सिर्फ उतार के रख देता हूँ घर के अंदर फिर बाकी गाड़ी पे ऐसे ही बंधे रहने देता हूँ क्योंकि कहीं तो जाना नहीं है मेरे को। सुबह का नहा लिया हूँ आज और अभी फिलहाल खाना खाऊंगा फिर रेस्ट करते हैं। तो मिलता हूँ फिर आप लोगों से मार्केट जाने का टाइम और बताते हैं कि कितने का सब्जी आज लेके आए हैं भाई साहब। तो चलो फिर तो गाइस अभी 3 बज रहे हैं और फिलहाल अपना मार्केट जाने का टाइम हो गया है। तो गाड़ी से सामान को तो मैं उतारा नहीं था जस्ट तस रख दिया था और अभी फिलहाल कुछ कुछ और गाड़ी के ऊपर अपना पैक किया मैं तराजू किलो बाट वगैरह को और 1 कैरेट टमाटर है उसको देखो घर पे छोड़ दिया उधर ना। तो गाइस आज ना मैं बहुत सारा सामान लेके आया हूँ यार। अभी मैं कैलकुलेट किया तो समथिंग मेरा जो सब वेजिटेबल्स है वो टोटल मिला के बना है भाई साहब 5500 रुपए का बना है मेरा सब्जी जो है 5500 का और 100 रुपए गाड़ी में पेट्रोल डलाया हूँ और 100 रुपए का जो है जो पिकअप में ना सामान भेजा हूँ उससे किराया बन गया मतलब 100 रुपए का किराया भाई जाते अपने 5700 टोटल मिला के 5700 रुपीज का सामान है भाई साहब। और देखते हैं कि इतना सारा सामान को सेल करने के बाद मैं कितने रुपए का प्रॉफिट जो है आज ले पाता हूँ आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगा मैं। तो चलो अभी निकलते हैं और दिखाता हूँ आप लोग क्या क्या सामान है जो मैं लिया हूँ। तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं अब मार्केट। बाइक को गाड़ी बोलते हैं चंदू को बाइक तो देखो थोड़ा फिट है यार यहाँ किसी बस ऐसा बाइक हो तो वो हीरो समझे अपने आप को। तो भाई साहब फाइनली मार्केट पहुंच गया और मैं आया फिर सीधा दुकान लगाया क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था सब लोग दुकान लगा लिए थे 3-4 बजे दुकान लग रही है और अभी जस्ट मैंने पूरा काम खत्म किया भाई। तो आप लोग को बताया था मैं कि 5700 रुपीज का जो वेजिटेबल्स अपन लेके आया तो देख सकते कितना सारा है भाई साहब। तो ये देखिए यहाँ से भाई वो देखो अदरक से यहाँ अदरक धनिया मेथी मिर्ची फिर आलू बैगन मटर टमाटर करेला फूल गोभी बंधा इतना पूरा आइटम जो है अपने मार्केट देख सकते हो भाई साहब आप लोग इतना बड़ा मार्केट है बहुत सारा सब्जी दिख रहा है। ये देखो काफी सब्जी आए हुए भाई आज मार्केट में तो बहुत सारा वेजिटेबल है। अच्छा मटर ले जाए 30 रुपए किलो का 1 नंबर मटर ताजा लोकल 1 किलो 100 रुपए 1 किलो ये आ गया मटर मुझे रख ले यार कसम से मैं बोलता हूँ यार मटर मटर है मटर है मटर है 30 रुपए मटर है मटर है आजा ले जा ले जा ले जा ले जाओ थोड़ा ही रह गया थोड़ा ही रह गया थोड़ा ही रह गया देखिए कितना 30 रुपए मिल गए भाई साहब 2 रुपए मेरे बॉस लगाने के यार भाई साहब देखो फाइनली मेरे को पेटीएम ये जो फ्री में मिला है
भैया बोले कि इसको रिचार्ज बाद में कराना पड़ेगा करके, लेकिन फिलहाल अभी तो फ्री है ना, पूरा फ्री है भैया, एक महीने तक फ्री। हाँ भैया मटर 30 रुपए दे दो, 20 रुपए नहीं आएगा सर, 30 पड़ेगा, 30 पड़ेगा, पेटीएम के फ्री ऑफर में 30 रुपए ही पड़ेगा, ले जाओ। हाँ लो लो, हाँ फ्री ऑफर पेटीएम के, पेटीएम की तरफ से फ्री भाई, फ्री प्रमोशन है ना, पेटीएम से मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, फ्री फ्री फ्री, क्योंकि मेरे फ्री मिला है तो मैं फ्री में प्रमोट कर रहा हूँ भाई साहब, है ना भैया। और वीडियो आ रहा है आप लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना भाई, कर देना भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ से यार मिलते हैं भाई आपसे, बिल्कुल 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 भैया। चंदू की वीडियो मजे की है ना, अब देखते हैं भाई कैसा रहता है मार्केट, ऑनलाइन वाला देखो पेटीएम का एक्सेप्टेड ईयर, तो भाई साहब चलो देखो मेरा बॉक्स और मेरा स्कैनर यहाँ पास साइड में रखा है, बगल में ये देखो, इधर से भी प्यार से बोलते हैं बच्चा, वो चंदू नाम उसका से रखा है, तुम तो चंदू, जस्ट बगल में इनको रखा हुआ है, और ना मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को, अच्छा फील आ रहा है, कल ही मैंने बात किया था और लगवाऊं करके सोच रहा था, और आज स्वयं भैया लोग आए और दे के चले गए, फ्री में मिला है ये चीज अपने को, ये मशीन प्लस ये कार्ड जो है, अब देखते हैं आज फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसका हो पाता है कि नहीं, कोई पेटीएम करता है कि नहीं भाई साहब। और अभी देखो दुकान तो खाली है, कोई कस्टमर नहीं फिलहाल भाई साहब, पूरा नो कस्टमर नो वन। हाँ भैया गोभी ले जाए 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो गोभी, ठीक है यहाँ पे 50 रुपए है, 15-10 है, करेला जो है 40 है, टमाटर 20 का 3 किलो, मटर जो है 30 रुपए किलो, और बैगन है भाई साहब 20 का डेढ़, आलू 20 रुपए किलो। हाँ भैया देना है कुछ यार, हाँ अपने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार, गोभी 30 रुपए भैया, महंगा हो गया थोड़ा से, गोभी का रेट थोड़ा सा बढ़ गया भाई साहब, 30 बेच रहे हैं तो कस्टमर बोल रहे हैं थोड़ा महंगा करके, देखते हैं अब फिलहाल कैसा रहता है मार्केट जो है, अभी तो कस्टमर कह रहे हैं महंगा कर दो ना भाई साहब, महंगा हो गया, पेटीएम के मेरे फर्स्ट कस्टमर आ गए भाई, पेटीएम करने वाले भैया जी, ये लो करो भैया 5 रुपए, हाँ रुक 5 के पेटीएम लेता हूँ, 5 रुपए पेटीएम कर रहे हैं भैया जी, बोनी हुई है 5 रुपए की ऑनलाइन बोनी, 5 रुपए का पेटीएम हो रहा है यार, अनबिलीवेबल होगा। हाँ 5 रुपए प्राप्त, ठीक भैया 5 रुपए का टमाटर लिए भाई साहब, 5 रुपए का टमाटर लिए, उसका ऑनलाइन हो गया, इसका भी उद्घाटन हो गया। हाँ गोभी 30 रुपए गोभी, कब का लगा बताना, तो भाई साहब अभी बज गए हैं शाम के 6:30, 7 बजने वाले हैं लगभग, और मार्केट देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने खत्म हो गया, लगभग 2-3 घंटा रहा, और सामान देख सकते हो भाई सब बच गया है यार, काफी बच गया है, काफी बच गया है, काफी बच गया है, बहुत सामान बचा है, करेला बंद फूल गोभी और धनिया मिर्ची अदरक, मतलब सभी आइटम जो है लगभग लगभग बच गया भाई सब, अब कितने का सेल किया उसको तो घर में बताता हूँ आप लोग को भाई साहब, और मेरा पेटीएम में सिर्फ 5 रुपए की आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है, मात्र 5 रुपए का, तो चलो फिलहाल अभी जो सामान है ना उसको उठा लेते हैं, तो भाई साहब फाइनली पूरा सामान को उठा दिया है, और देख सकते गाड़ी पे पिकअप भी हो गया भाई साहब, ये देखो पूरा 4 केट इधर 4 केट इधर और 1 केट इधर, 8-9 केरेट, तो चलो फिलहाल निकलते भाई साहब घर, अरे सॉरी गिर गया था यार, तो भाई साहब फाइनली घर पहुँच गया मैं, और सामान को गाड़ी से उतार के ना नीचे भी ले आया, देख सकते हैं इतना सारा सामान अपना आज बचा, बच्चा है वो सामान पूरा बाहर पे ही रख दिया है, और अच्छा इंडिया में गोभी बहुत ज्यादा खाई जाती है, नाना बस है तो मेरे को आज यहाँ सोना पड़ेगा नाना के घर, देखो चलेगा कितना सिंपल है ना, पर चलो चलते रूम के अंदर भाई साहब, यार ना इतना ज्यादा हालात खराब हो गया भाई साहब कि क्या बताऊं, आज पूरा हाथ पैर कमर में फूल दर्द हो रहा है, और ऊपर सब्जी नहीं दिखा ना तो और ज्यादा 5700 रुपीज का, तो देखो कितने रुपीज का बेचा हूँ फिलहाल, तो चलो मैं देख ले रहा हूँ कितने का बेचा है भाई, तो देखो 10-10, 20-20, 100-50 सभी के नोट है, फिर गिन के बता रहा हूँ आप लोग को कितना का बेचा हूँ भाई, तो गाइस देखो फाइनली मैंने गिन लिया है कि कितने रुपए है उसको, देखो नोट को भी ठीक कर लिया, ये तो भाई साहब अपन सामान लेके गए थे 5700 रुपीज का, उसको मैंने फिलहाल अभी बेच लिया है 54
40 रुपीज का भाई साहब, 54-40 रुपीज का, तो मान के चलते हैं 5400 मतलब 5400। बाकी प्रॉफिट बचा है 300 रुपए के लॉस में चल रहा हूँ अभी मैं फिलहाल। चंदू की थोड़ी सी वीडियो स्टॉप कर दी, इसने 5400 रुपए बताया कि 5400 मैंने कमाए हैं, ठीक है, मतलब बेस्ट विशेस इसके लिए। इतनी सब्जी अभी भी पड़ी हुई थी उसके पास, वो घर के काम आ जाएगी कल। नहीं जी, घर के काम क्यों आएगी, कल सेल करेगा, इतनी ज्यादा सब्जी बची है तो भाई इतना प्रॉफिट है सब्जी के घर। दादा वाहे, मतलब सब्जी नहीं, लेकिन एरिया में सस्ती है ना सब्जी भी सस्ती। प्रॉफिट कितने है? प्रॉफिट भी है 5700 की नहीं 5500 की वो सब्जी लेकर आया, 200 उसके पेट्रोल शेट्रोल में लगा है, ठीक है, 5400 अभी तक उसने कमा लिए हैं, ठीक है, और बहुत सारी सब्जी उसकी बची, अब वो कल लगाएगा तो वो जस्ट ओनली प्रॉफिट है, उसके अंदर नो लॉस है, कोई इशू नहीं है, वो जितना कमाएगा। भाई मैं कहता हूँ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो जो भी मतलब इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब जितने भी आप वर्कर हैं, सब खत्म करें, मुझ समेत सब मिलकर लगाते हैं वेजिटेबल्स के ठीक है। जगह जगह छोटे मोटे ठीए लगाते हैं और भाई इस काम को आगे से आगे बढ़ाते हैं, बहुत हो गया भाई, मैं चंदू को देख के हैरान हो गया, सब्सक्राइबर की तरह, जैसे वो कहते हैं ना कि एक एक मतलब जो हेल्प करता है वो आगे तीन लोगों की करे, और आगे तीन लोगों का है कि आगे तीन लोगों की करे, तो आप लोग ठिया लगाए सब्जी का सारे मतलब उस समय, ठीक है, और आगे तीन लोगों का है कि आगे वो लगाए तीन लोगों मतलब सब्जी का ठिया, और उन तीन लोगों का है कि आगे आप लोग भी लगाए सब्जी का ठिया, वेजिटेबल्स का स्टॉल। सो व्यूअर्स मैं तो हैरान हो गया भाई, इतना प्रॉफिट है यार इस सब्जी के ठीलों पे यार, इतनी सस्ती सब्जी है भाई, सस्ती को छोड़ो यहाँ पे प्रॉफिट की बात करो, छोड़ो, नहीं 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 बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मतलब यार मैं हैरान हो गया, मतलब इतनी सस्ती। सो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे, बहुत क्या लगेगा सब्जी का ठिया लाजमी लगाएगा, आज मैं सब्सक्राइब नहीं बोलूंगा, कहूंगा सब्जी का ठिया लाजमी लगाएगा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर मत कीजिएगा, सिर्फ सब्जी का ठिया लगाइएगा अपनी लाइफ वेजिटेबल, इसको छोड़ो यार इसके प्रॉफिट देखो तुम, गजब बेइज्जती है चंदू का, चंदू कह रहा है 54-40 रुपीज कमाए आज, ऐसा ही है, वेरी गुड यार, तो बेस्ट विशेज है यार, ये तो हो गया मजा, बेस्ट विशेज है चंदू साहब के लिए, बहुत अच्छा है, और मेरी दुआ है कि इनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिले, क्योंकि चंदू भाई बहुत सिंपल से बंदे हैं और बहुत खुश मिजाज है और बहुत अच्छे हैं, और मतलब आप ये देखेंगे वेजिटेबल्स बेचना इतना आसान नहीं होता, पहले मंडी से लेकर आना, ठीक है, और फिर सेल करना, अभी एकदम मेरे पे मीम्स ना लग जाए कि पार्टी बदल ली साले, पार्टी बदल लिया साला। सो व्यूअर्स मेरा कहना ये है कि सीरियस मन बहुत हो गया, सब मिलकर वेजिटेबल का ठिया लगाते हैं और भाई जबरदस्त काम है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा हम दोनों को, दीजिए ज्यादा स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।